मैंने कितनी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज आपके सामने रखी हैं और उन सभी को आपने बहुत पसंद किया है। चलिए आज फिर से आपकी पसंद के लिए एक और वीडियो और मेरी पसंद के लिए आपका एक लाइक। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे, साथ ही कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूंगा। और यार अगर आप कमेंट्स में पिक में लिखते हैं तो इंतजार करिए, कभी ना कभी आपका नंबर जरूर आएगा। ऐसे कमेंट्स में मुझे दोषी मत ठहराइएगा कि मैं आपको कभी शाउट आउट नहीं देता। एक वीडियो में एक ही को शाउट आउट दे सकता हूँ और कमेंट्स बहुत आते हैं, तो इस बात से गुस्सा मत होइए, मैं कभी ना कभी आप सभी को शाउट आउट जरूर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। 2021 अक्टूबर के महीने में पेरू में काम कर रहे वैज्ञानिकों को एक बहुत तगड़ा झटका लगा और ये झटका दिया गया था इस सोने के मास्क द्वारा, जो कि 30 सालों पहले सेकंड कल्चर के मकबरों से निकाला गया था। ना सिर्फ ये मास्क बल्कि वो कंकाल जिसने ये मास्क पहना हुआ था उन सभी पर लाल रंग चढ़ा हुआ था, जिसे देखते ही वैज्ञानिक समझ गए कि वो लाल रंग ओकर का है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें पहले भी वैज्ञानिकों को मिली थी जिन पर ओकर चढ़ा हुआ था। मुझे नहीं पता कि वो लोग ओकर क्यों चढ़ाते थे, लेकिन जैसे ही इस मास्क पर चढ़े पेंट के ऊपर केमिकल टेस्ट किए गए, उसमें सामने आया कि ये लाल रंग ओकर नहीं था, बल्कि ये तो किसी पक्षी के अंडे के प्रोटीन और इंसानी खून का मिक्सचर था। हमें पता है कि पेरू में सेकंड कल्चर इनका लोगों के समय में आया था। वो समय था 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का। 11वीं और 12वीं शताब्दी में लोग हद से ज्यादा फले फूले और इनके पास इतनी धनमाया थी कि इन्होंने सभी के लिए सोने के उपहार बनाने शुरू कर दिए और उन्हीं उपहारों में से एक ये गोल्डन मास्क भी था। बदकिस्मती से इस पर चढ़ा खून अब पूरी तरह से डिग्रेडेड हो चुका है, इसलिए हम इस बात का पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या ये खून इसी इंसान का था जो इसे पहनकर मरा था या फिर किसी और का। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह से मास्क पर खून जरूर मृत आदमी का ही लगाया गया होगा और ये जरूर किसी तरह का मोक्ष प्राप्ति वाला रीति रिवाज होगा, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, असल बात क्या है कोई नहीं जानता। मेरी अगली खोज आपको इराक ले जाएगी, जहां पर वैज्ञानिकों को अक्टूबर 2021 में एक वाइन प्रेस मिली जिस पर बहुत सुंदर कारीगरी भी की गई थी। देश के उत्तरी हिस्से में बनी कैनिस नाम की ये जगह वैज्ञानिकों को बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, क्योंकि उनको कहीं से ये पता चल गया था कि ये वही जगह है जहां एक समय पर असीरियन रूलर रहा करते थे। ये बात तकरीबन 2800 सालों पहले की है, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खुदाई करनी शुरू करी और उनको यहाँ कमाल के सिस्टम्स बने हुए मिले जो जरूर किसी बड़े शहर को दर्शा रहे थे। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ एक 6 मील लंबी सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर मिली। इसके अलावा जैसे जैसे पत्थरों से मिट्टी हटाई गई, वैसे वैसे ये कारीगरियां उभर कर बाहर आती गई। इसके अलावा यहाँ पर वैज्ञानिकों को 7 अलग अलग चट्टानों पर असीरियन रूलर की पूरी गाथा इस तरह से चित्रकारी के रूप में मिली। इसमें एक शेर पर भगवान को बैठाया गया था और एक और इंसान को, शायद ये कोई महिला है, उसे प्यार की देवी बताया गया था। इसके अलावा बिल्कुल इन पत्थरों के साइड में वैज्ञानिकों को वाइन बनाने का पूरा कारखाना मिला। जी हाँ, आपने सही सुना, तकरीबन 2800 सालों पहले भी लोग वाइन बनाकर पी रहे थे। ये जो आप अपनी अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो जगह थी जहाँ वाइन्स को स्टोर किया जाता था। इसके नीचे वैज्ञानिकों को बहुत बड़े बड़े पिट्स मिले जहाँ पर अंगूरों को दबाकर उनका जूस निकाला जाता था। लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आई वो ये कि यहाँ पर हर दीवार पर राजा का इतना बखान क्यों किया गया है। क्या ये राजा की कोई सोची समझी साजिश थी या फिर उसका कोई प्रोपेगेंडा था जिससे वो हर वक्त वहाँ रहने वाले लोगों की आंखों के सामने रह सके और उन लोगों को पता हो कि उन्हें किसकी पूजा करनी है? तो जवाब है शायद हाँ। सन 2015 में आइलैंड ऑफ फोस्टर पर एक आदमी अपना मेटल डिटेक्टर लेकर घूम रहा था और तभी उसको वहां जमीन में कुछ फुट गहराई पर ये चीज दबी हुई मिली। उसने इसे बाहर निकाला। पहली नजर में उसे लग रहा था कि ये तो कोई हाल ही में बनाई गई मूर्ति है, क्योंकि एक तो इस पर बना हुआ डिजाइन बिल्कुल नया लग रहा था, दूसरा इसकी हालत बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर भी उसके मन में कोई शक था, जिसे दूर करने के लिए वो इस मूर्ति को उठाकर नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क में ले गया, जहां पर इस मूर्ति को कई विशेषज्ञों द्वारा टेस्ट किया गया और तभी वैज्ञानिकों ने उसे बता दिया कि आप एक बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि ये तो पहली शताब्दी में बनाई गई ब्रॉन्ज की बस्ट ऑफ सेलिनस है। बेशक ये मूर्ति बहुत छोटी थी, सिर्फ 2 इंच लंबी, लेकिन उस टाइम पर सेलिनस को यहाँ के लोग अपना भगवान माना करते थे। उसके सर पर कभी बाल होने के सबूत नहीं मिले, लेकिन उसकी दाढ़ी बहुत गहरी होती थी। इसके अलावा जो जो सबूत आज तक सेलिनस के मिले हैं उनमें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो नशे में रहता था।
इस सेलिनस की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि वो कैसे नंगा ही एक म्यूल पर बैठकर अपने एरिया में चक्कर लगा कर आता था। खैर, वैज्ञानिकों ने बताया कि ये बस्ट एक समय पर किसी राजघराने का हिस्सा रही होगी, लेकिन बाद में इस जगह पर रोमन लोगों ने कब्जा कर लिया और सेलिनस का नाम और निशान खत्म हो गया। आज उससे जुड़े सभी सबूतों की बहुत वैल्यू है और यकीन मानिए, ये मूर्ति भी जब नीलाम होगी तो इसकी कीमत करोड़ों में जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि पोम्पे इस दुनिया की सबसे मशहूर आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसलिए ब्रिटेन के वैज्ञानिक भी अपनी रिसर्च करने के लिए अपना झोला उठाकर यहाँ 2016 में पहुंच गए और यहाँ उन्होंने एक ऐसी साइट की खोज करी जिसका नाम उन्होंने पोम्पे ऑफ ब्रिटेन रखा। ये जगह नेने नदी के बिल्कुल साइड में थी और यहाँ से अभी तक ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ बाहर निकाल लिया है। यहाँ से वैज्ञानिकों को गोलाकार में बने हुए लकड़ी के घरों के अवशेष मिले। ये असल में पूरा एक मोहल्ला था और पता नहीं क्यों पर इस मोहल्ले के चारों ओर क्ले मिट्टी से बाउंड्रीज जैसा कुछ बना रखा था। टेस्ट में सामने आया कि ये सभी घर तकरीबन 3000 साल पुराने थे और इसमें इस्तेमाल की गई लकड़ी की हालत आज भी बहुत अच्छी थी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों को इससे पहले ब्रॉन्ज एज की इतनी कमाल की डिस्कवरी कभी नहीं मिली थी। आगे किए गए टेस्ट में सामने आया ये सारा मोहल्ला एक झटके में लगी आग में जलकर तहस नहस हो गया था। सारे घर बराबर में बहने वाली नदी में जा गिरे, लेकिन जो इन घरों की नींव जमीन में दबी हुई थी वो इस आग में बच गई और तकरीबन 3000 साल बाद इस नींव को फिर से वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया। ये घर दिखने में छोटे लेकिन असलियत में बहुत बड़े थे, जिसमें खाना बनाने के लिए अलग जगह, सोने के लिए अलग जगह, खाना खाने के लिए अलग जगह, साथ ही इन घरों की जो छत थी वो क्ले और लकड़ी से बनाई जाती थी। इसके अलावा एक 3000 साल पुराना लकड़ी का पहिया भी वैज्ञानिकों को यहाँ से बरामद हुआ, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पहिए की जांच की तो उसमें सामने आया कि ये तो बहुत हल्की लकड़ी से बनाया गया था, जिसका मतलब इस पहिए को मिट्टी वगैरह पर चलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पहिए को पानी पर तैरा कर देखा तो ये बहुत आसानी से तैर गया। तो क्या इसका मतलब ये था कि वो लोग कहीं भी आने जाने के लिए पूरी तरह से नदियों पर डिपेंड थे? शायद हाँ। जब भी वैज्ञानिकों को कोई ऐतिहासिक हथियार मिलता है तो उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वैज्ञानिक उसको छूते हुए भी डरते हैं कि कहीं वो ऐतिहासिक नमूना उनके हाथों से टूट ना जाए। लेकिन सन 2020 में डेनमार्क में एक तलवार मिली जो इन सभी से अलग थी। जरा आप भी देखिए, जैसे ही वहाँ के लोगों को पता चला कि डेनमार्क में एक पुरानी तलवार मिली है तो सभी ने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि ये जरूर वाइकिंग्स की होगी, लेकिन वो सभी गलत थे। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो तलवार अभी आप देख रहे हैं वो पूरे 3100 साल पुरानी है, जिसका मतलब ये तो यहाँ वाइकिंग्स के भी आने से पहले आ चुकी थी। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि ये यहाँ 3100 साल बीत जाने के बाद भी इस तलवार को जंग ने अपना शिकार क्यों नहीं बनाया? इसकी धार अभी भी बहुत पैनी थी। इस तलवार को दोनों सीखे लोगों द्वारा आईलैंड ऑफ जीलैंड पर ढूंढा गया था। ये तलवार पूरी तरह ब्रॉन्ज से बनी हुई थी और जो ब्रॉन्ज इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया था उसे जरूर सेंट्रल यूरोप से इंपोर्ट किया गया होगा। इसके एक साइड पर लेदर की ग्रिप लगाई गई होगी, लेकिन वो लेदर तो सदियों पहले ही गलकर गायब हो चुका होगा। इस पर कई तरह की चित्रकारी भी की गई। ये तलवार जरूर अपने समय में बहुत महंगी रही होगी। जी हाँ, इतनी महंगी कि इसे कभी युद्ध में इस्तेमाल तक नहीं किया गया। ये तलवार जिसकी भी होगी वो जरूर समाज में अपना रुतबा इसे दिखाकर बनाना चाहता था बजाय इसे इस्तेमाल करने के। आज से तकरीबन 100 सालों पहले इस धरती पर जो इतिहासकार रहते थे वो भी यही सोचते थे कि क्यों आज के लोग नियंडरथॉल्स के बारे में बात नहीं करते। वहीं आज भी हम लोग यही सोचते हैं कि क्यों नियंडरथॉल्स के बारे में हम बात नहीं करते। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि नियंडरथॉल्स कौन थे। शायद आपने उनका नाम किसी ऐतिहासिक चीज में जरूर पढ़ा हो। तो एक लाइन में अगर मैं आपको कहूँ कि नियंडरथॉल्स कौन थे तो जवाब होगा वो शुरुआती इंसान जो इस धरती पर सबसे पहले आए। इसके अलावा उनके साथ ही जन्म हुआ था होमो सेपियंस और डेनिसोवियंस का। डेनिसोवियंस आज भी एक विवादास्पद सभ्यता मानी जाती है जिसके बारे में कोई बात करने से पहले दो बार सोचता है, और मैं भी इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, नियंडरथॉल्स और होमो सेपियंस के बारे में आपको ज्यादा जानना हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आकर वहां मुझसे इसके बारे में बात कर सकते हैं, हम सभी मिलकर डिस्कस कर लेंगे। खैर, यकीन मानिए ये दोनों ही सभ्यताएं अपने आप में बहुत आधुनिक थी और इस बात के मेरे पास सबूत भी हैं। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये असल में एक चील के नाखून थे जिन पर कारीगरी करके लाखों सालों पहले वो लोग इसे ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं कि इन नाखूनों पर ये कारीगरी नियंडरथॉल्स के द्वारा की गई थी और समय रहा होगा तकरीबन 130,000 साल पहले का। बेशक तब भी और आज भी किसी चील को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था और ना ही सुरक्षित,
तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या नियंडरथॉल्स चीलों को इतनी आसानी से पकड़ लेते थे? क्या उनके पास उड़ते हुए पक्षियों का शिकार करने की कोई अलग तकनीक मौजूद थी? इन नाखूनों को तकरीबन 100 सालों पहले क्रोएशिया के क्रपीना में बनी गुफाओं से निकाला गया था, लेकिन तब के लोग इंसानों के अवशेष मान बैठे थे। लेकिन 2021 में इन पर फिर से टेस्ट किए गए, जिसमें चील वाली बात सामने आई। एक चील को पकड़ना, उसके नाखूनों को उखाड़ कर इस तरह से डेकोरेट करना, इनसे हमें पता चलता है कि नियंडरथॉल्स भी अपने जमाने के खूब माहिर खिलाड़ी रहे होंगे। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मिस्टर स्मार्ट MG5 को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।